अचीवमेंट्स आने वाले हैं बैरियर टाउन कराची में। और हैप्पी न्यू ईयर 25 दिसंबर यानी कायदे आजम की बर्थडे सेलिब्रेशन होगी, इसमें पूरी कंप्लीट वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा किस तरीके से यहाँ पर लाइटिंग हुई है, ठीक है, इवेंट्स को किस तरीके से यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, पता चल रहा है कि यार कोई कुछ इवेंट्स आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होगा। तो भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद उमर, और आज हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ इवेंट्स आने वाले हैं बैरियर टाउन कराची में, और मोहम्मद उमर भाई से जानेंगे कि कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं और उनकी तैयारियाँ जो हैं वो कैसे चल रही हैं, जोरों शोर से चल रही हैं, धीमे धीमे से चल रही हैं। देखिए आगे इस वक्त जो है वो बैरियर टाउन कराची में मुख्तलिफ इवेंट्स आने वाले हैं। सबसे बड़ा इवेंट जो है हमारा वो ये है कि 25 दिसंबर यानी कायदे आजम की बर्थडे सेलिब्रेशन होगी इसमें, और इसी के साथ साथ क्रिसमस भी आने वाला है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि बैरियर टाउन कराची 2 भी इस वक्त लॉन्च होने वाला है, ठीक है, बैरियर टाउन कराची 2। इसके अलावा एक सबसे बड़ा इवेंट एक और भी है जो कि हैप्पी न्यू ईयर भी आने वाला है, जैसा कि सब आप सबकी नॉलेज में ही है। अभी आप थोड़ा सा दिखा सकते हैं कि यहाँ पर इसकी तैयारियाँ कितनी स्पीड से हो रही है। बिल्कुल अगर बिल्कुल बिल्कुल एक घंटे पहले हमने देखा था तो उस वक्त तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत स्पीड से तैयारी हो रही है। बिल्कुल, और इंडिविजुअल टीम्स लगी हुई है, ट्रक के ऊपर भी अभी एक मुजस्मा रखा गया है, ठीक है, और अभी इसी के बाद ये ट्रक निकलेगा तो दूसरी टीम आएगी जो भी इलेक्ट्रिक के पॉइंट्स वगैरह होते हैं। बिल्कुल, वो तो सेपरेट इनका चलता रहेगा। अच्छा, ऐसे मैं एडिशन करता चलूँ उमर भाई के, आप देख रहे होंगे, आपको भी नजर आ रहा होगा, हमारी ऑडियंस को भी, अगर हम लोग थोड़ा सा रोड पर आ जाए तो ऑडियंस को भी नजर आ रहा होगा कि यार काम कर रही है टीम, सही है, लेकिन जो आवाम है उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं है, टीम काम कर रही है, बिल्कुल साइड वो के काम कर रही है, और ट्रैफिक जो है वो आराम से नॉर्मल अपना जा रहा है, सुकून से जा रहा है, ट्रैफिक अपनी रूटीन के हिसाब से रवा दवा है, ठीक है, टीम के हिसाब से जो भी अपनी टीम्स काम कर रही है यहाँ पर वो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर सुकून से काम कर रही है, किसी को किसी चीज की टेंशन नहीं है, सारे काम स्पीड से हो रहे हैं। और अभी इस पॉइंट से दिखाना शुरू करें, इनकी थोड़ी सी टीम भी डिफरेंट है बैरियर टाउन कराची 2 की, ठीक है, इसी के साथ साथ जो है उन्होंने मुजस्मे थोड़ा सा आगे भी रखा हुआ है, और पूरे मेन जगह के ऊपर आपको ये तमाम चीजें नजर आती रहेंगी, मल्टीपल टीम्स काम कर रही हैं, और ऑडियंस जो है हमारी देख भी सकती है कि सुकून से काम चल रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अभी तो मेन पिक्चर तो अभी बाकी है भाई, भाई मेन पिक्चर बाकी है, ठीक है, और वो मेन ये चाहते हैं कि वो आप खुद देखें पहले इस क्लिप से, उसके बाद बाकी की चीजें जो है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और जब आप लोग ये चीजें देखेंगे ना तो आपका जो है दिल भाग 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 हो जाएगा। तो भाई पहले आप ये क्लिप देखें, उसके बाद फिर हम बाकी की बातें जो है वो कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर मतलब पता चल रहा है कि यार कोई कुछ इवेंट्स आने वाले हैं, ठीक है, हर थोड़े थोड़े फासले से, जैसा आपने वीडियो में भी दिखाया होगा भाई, मुख्तलिफ चीजें यहाँ पर लगी हुई है, मजा आ रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, इनके फैमिलीज भी आ रही है, वीकेंड्स पे बहुत ज्यादा फैमिलीज आती है, सबकी छुट्टी होती है, तो यही मौका होता है एक हटकर कोई चीजें देखने का, बाकी मुख्तलिफ चीजें और चीजें ऐसा ऐसा थोड़ी थोड़ी वीडियो आपको नजर आना, आपको देख भी रहेंगी और आप चीजों को भी नोट करेंगे, जैसे कि अगर आपने देखा तो, और इसके अलावा बैक साइड में भी देखना होगा कितना बेहतरीन तरीके से सजाया हुआ है, और दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि 4 इवेंट आ रहे हैं। पहला इवेंट तो ये है कि 25 दिसंबर जो कि कायदे आजम की बर्थडे होती है, उसके साथ क्रिसमस भी है, और बैरियर टाउन कराची 2 की भी लॉन्च होने वाला है, और हैप्पी न्यू ईयर भी तो भूल गए यार, हैप्पी न्यू ईयर। हां उमर भाई देखो भाई, 4 इवेंट हो गए आपके, 25 दिसंबर हो गया कायदे आजम का, उसके बाद आपका क्रिसमस हो गया, फिर बैरियर टाउन कराची 2 हो गया, इसके बाद हैप्पी न्यू ईयर भी आ रहा है, और रौनक मेला लगा हुआ होगा इन आखिरी के 10 दिनों में, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी मुख्तलिफ वीडियोस में मुख्तलिफ इवेंट्स की चीजें जानने के लिए हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ जो है वो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आपने मंदिर तो देख लिया, और दिलदाबाद से कोई रिलेटेड, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो या कुछ आपने जानना हो प्रोजेक्ट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए, तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करें और हम आपको बता भी देते हैं। उमर भाई
बिल्कुल ऐसा ही है भाई, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और डील से बात करें आपके ख्वाबों को आबाद।